हरे कृष्णा, जय श्री राधे गोविंद। ये भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति है, प्रार्थना है, मंत्र है, सब कुछ इस स्तुति में। अगर ये रोज आपने इस स्तुति को अगर सुना तो घर में सुख शांति समृद्धि और लाभ ही लाभ मिलेंगे। ये एक सच्ची दिल से हमने बनाया है, आप इसको सुनकर ही मंगल काम के लिए जाओ। हरे कृष्णा। हे भगवान, मैं बहुत दीन हूँ, आप स्वभाव से ही दयालु हो प्रभु। जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से ही कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। हे देवादि देव जगदीश्वर, आप महायोगी हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में अभय दान देने वाला कोई नहीं है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हो। जय मेरे प्रभु। हरे कृष्ण भगवान, आपके अतिरिक्त एक श्लोक में अभय देने वाला कोई नहीं है मेरे प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी, हे योगेश्वर, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हो, हृदय में विराजमान रहते हो क्योंकि आत्मा हो। संसार की सृष्टि की रक्षा और सहार करने वाले हे प्रभु भगवान श्री कृष्ण आप ही हो। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर और अंदर एक रस स्थित रहते हो। आप प्रकृति से परे आदि पुरुष और परमेश्वर हो प्रभु, आपको दंडवत प्रणाम। आप दिखते हुए भी नहीं दिखाई देते हो, हे देवकी नंदन वासुदेव, हे नंद गोप के लाड़िले यशोदा नंदन, आपको हमारा बारंबार प्रणाम। आप आदि अनंत अनादि सर्व व्यापक व परमेश्वर हो प्रभु भगवान श्री कृष्ण महाराज। हे त्रिभुवन सुंदर अनंत भगवान, विलक्षण छवि वाले सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हमारे आराध्य भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप के पवित्र चरणों में सदा सर्वदा हम प्रणाम करते हैं प्रभु। हे विश्व भावन परमेश्वर प्रभु, आप ही हमारे माता पिता और रक्षक हो, सद्गुरु स्वामी हो। हम आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का दर्शन करते हैं प्रभु। हे अनंत कल्याणमय गुरु से परिपूर्ण महासागर भगवान श्री कृष्ण जी, आपके चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, स्तुति है भगवान की। श्री अंग हरिचंदन से चर्चित लटक सिर पर कानन कुंडल कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि दमक रहे हैं, दमक रहे हैं वक्षस्थल पर। मधुराधिपति बहुत मधुर, बजावे मुरली यमुना तीर,
छवि निर्मल निर्मल। जय हो त्रिभुवन सुंदर मधुर मुस्कान, मधुर मुस्कान मुख पर विलक्षण छवि अति सुंदर। जय जयकार हो चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण संत कबीर जी कहते हैं निर्बल को न सताइए जाके मोटी हारे बिना जीव के खाल से लोहा भस
भस्म हुई जान, लोहा भस्म हुई जान, लोहा भस्म हुई जान। कबीर जी कहते हैं तात्पर्य है कि जो निर्बल है, अनाथ है, गरीब है, कर्म भोगी है, अपने भोग भोगते रहते हैं, ऐसे निर्बल असहाय को कभी कभी मत दुखाइए, उनका दिल कभी मत दुखाइए। अगर उनको मदद करना है तो आप करिए, अगर दिल दुखाए अनायास इनके हृदय से श्राप निकल गया, बद्दुआ निकली, तो लोहा भी भस्म हो जाता है, तो मनुष्य शरीर क्या है। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। वृक्ष यानी पेड़ पौधा पत्ते से कहता है कि हे पत्ते तू मेरी बात सुन। वृक्ष बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात। इस घर की ये रीत है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। वृक्ष कहता है पत्ते से कि हे पत्ते, एक बार तू मेरे फांदी से अगर टूट के गिर गया तो बाद में जुड़ना मुश्किल है। उसी प्रकार एक बार प्राण निकल जावे, हरि बोल हरे कृष्णा। संसार का नियम है, एक आता है एक जाता है। और सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में श्री राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के समय में माता सीता जी का हरण हो जाता है। रावण छल से माता सीता का हरण कर लेते हैं। तब कुटिया में लौटते हैं तो हर पत्ता, हर फूल, पान, फल मुरझाए रहते हैं, फल गिरे रहते हैं, पंछियों की आवाज स्तब्ध हो जाती है। राम जी पूछते हैं, हे लक्ष्मण क्या हो गया? कुछ अनायास कुछ संकट का माहौल हो गया है, उस टाइप लग रहा है, ऐसा क्या चीज हो गया है? कुटिया में जाते हैं, माता सीता नहीं दिखाई देती। माता सीता भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी उनके आंखों से अश्रु बहते हैं, ये कैसा हो गया? फिर थोड़ी दूर पे जाके उनको एक हार दिखाई देता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते, हे लक्ष्मण भाई मेरे, ये देख तो सही, ये कहीं सीता का हार तो नहीं है? तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कैसे बतलाऊ क्षमा करो भैया, ये हार न देखा। कैसे बतलाऊ क्षमा करो भैया, ये हार न देखा। मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा, मेरे भैया भाभी के चरणों को ही देखा, मेरे भाभी के चरणों को देखा। हे भैया मेरे राम जी, मैंने जब भी देखा मेरे भाभी माँ के चरणों को देखा। वो लाल बरन भाभी के चरण मेरे तीर्थ धाम के लागे, मेरे तीर्थ धाम के लागे। श्री राम
मोल मन कुटिया में लौट जब आए नहीं पाई सिया, नहीं पाई सिया अपनाए मैं भर लाए, अपनाए मैं भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए सिया सियावर रामचंद्र की जय, पौरुषोत्तम हनुमान की जय, भगवान गोपाल कृष्ण महाराज की जय। इस कथा को सुनिए, आनंद लीजिए और प्रयास करो अपने और भक्तों को उनके प्रसाद स्वरूप उनको देने का प्रयास करो। हरि बोल हरे कृष्णा। कैलाश हरे कृष्ण दास।